नवागत एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने लिया चार्ज, कानून व्यवस्था को बताया प्राथमिकता, महिलाओं के प्रति अपराध को रोकना सर्वोच्च। खबर चंदौली से है। जनपद के नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जनपद का चार्ज ले लिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से परिचयात्मक बैठक के दौरान अपनी विशेषताएं और प्राथमिकताओं को गिनाया। इस दौरान नवागत एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि चंदौली यूपी बिहार सीमा से सटा जनपद है, कानून व्यवस्था को कायम रखना और तस्करी पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। उनका प्रयास होगा कि महिलाओं के प्रति अपराध न हो, अगर अपराध होता है तो समय से विवेचना कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों को भी आगाह किया। जैसा मैंने बताया कि हमारा फोकस क्राइम प्रिवेंशन पे और जो क्रिमिनल्स हैं, पेशेवर जो क्रिमिनल्स हैं, उन पे सख्त कार्रवाई का। इसके अलावा सभी लोग स्वार्थपूर्ण तरीके से रहें, किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, इस पे रहेगा। जो आपातकालीन हमारी 112 BRB हैं, वो समय से लोगों को पहुँच के सहायता सुनिश्चित करें, इस पर हमारा फोकस रहेगा। महिलाएं जो हमारी हैं, उनके साथ जो अपराध होते हैं उनको हम प्रभावी तरीके से रोकें, और यदि कोई अपराध घटित होता है तो उसका उसमें हम अच्छे से विवेचना करके और पीड़ित को न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। तेजी से तेजी और सख्त से सख्त सजा उसमें हम माननीय न्यायालय से साबित करके सुनिश्चित करें। और इसके अलावा जो तस्करी मादक पदार्थ और जो अवैध शराब, इस तरह की जो तस्करी है, उस पर हम कार्रवाई सुनिश्चित करें। और एक हमारा फोकस रहेगा कि जन सुनवाई हमारे सभी स्तर से, थाना से लेकर गसल ऑफिसर्स तक के लेवल पे जन सुनवाई को हम लोग और बेहतर और संवेदनशील और प्रभावी बनाएं, ये हमारा प्रयास है। इसमें जैसा मैंने बताया, जो पेशेवर अपराधी हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी, और जो अगर कोई नई गैंग या बाहर के जनपद या बाहर के प्रदेश की कोई गैंग अगर इसको सक्रिय होगी उसको पकड़ा जाएगा। और ये जितने भी लोग पकड़े जाएंगे इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, इनकी संपत्तियाँ जब्त की जाएगी, और तेजी से जैसा मैंने बताया माननीय न्यायालय में इनके मुकदमों की पैरवी करके इनको सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। उससे ये चीज़ें निश्चित तौर पर कंट्रोल में आएगी। कुछ था इसका ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी रवानगी सुनिश्चित की जाएगी, और जो ट्रांसफ़र है वो नियम के अनुसार होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, और किसी का अगर कोई मसला है, किसी कोई समस्या है, तो वो भी हमें सीधे पत्र भेजकर या आवेदन भेज के अवगत करा सकते हैं। उस तरह की कोई इश्यू होगा उसको भी संवेदनशील तरीके से देखना होगा। देखिए अभी सब इंस्पेक्टर उसका कार्य देख रहा है, तो सब इंस्पेक्टर भी अपने आप में एक सक्षम अधिकारी होता है, फिर भी जो प्रभारी हैं उसके कार्य का मेरे द्वारा आकलन किया जाएगा। अगर उसमें उसके काम में ठीक नहीं पाया जाएगा, दूसरे प्रभारी को नहीं किया जाएगा।